हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल कॉम्पटेरिया। प्रीवियस लेक्चर ऑफ इंडियन मेडिवल हिस्ट्री वी विल डिस्कस अबाउट इल्तुतमिश का मूल्यांकन, इल्तुतमिश के शासनकाल के बाद उत्तराधिकार की समस्या, इल्तुतमिश के बाद रुकनुद्दीन फिरोज शाह 1236 में गद्दी पर बैठा। सुल्तान बनने से पहले वह बदायूं और लाहौर की सरकार का प्रबंध कर चुका था, संभाल चुका था, और मिनहाज के हिसाब से उसके पास 3 विशेषताएं थी: सुंदर आकृति, सरल स्वभाव और असीम उदारता। लेकिन ये सद्गुण एक सफल शासक बनने के लिए पर्याप्त नहीं था। अपनी इंद्रिय लोलुप व्यसनों के कारण वह एक अयोग्य शासक सिद्ध हुआ। इसलिए November 19, 1236 को रुकनुद्दीन फिरोज शाह का वध कर दिया गया। उसका असफल शासन मात्र 6 महीने और 18 दिन रहा। उसके बाद रजिया 1236 से 1240 जिसको कि उम्दत उल निश्वा की उपाधि प्राप्त थी, रजिया दिल्ली सल्तनत की प्रथम और अंतिम मुस्लिम महिला शासिका थी। वो 1236 में गद्दी पर बैठी। उसे गद्दी पर बैठने के लिए दिल्ली सल्तनत के इतिहास में उत्तराधिकार के प्रश्न पर दिल्ली की जनता ने पहली बार निर्णय लेकर सुल्तान को चुना था। रजिया ने अपने सिक्कों पर उम्दत उल निश्वा का विरुद्ध धारण किया था। रजिया में समस्त प्रशंसनीय गुण एवं योग्यताएं थीं जो एक शासक के लिए आवश्यक है। राजगद्दी पर अपनी पकड़ मजबूत बनाने के बाद रजिया ने प्रशासन का पुनर्गठन किया। मिनहाज के अनुसार राज्य में शांति स्थापित हो गई और सरकार की सत्ता दूर दूर तक फैल गई। लखनौती से देवल तक के क्षेत्र में सभी मलिकों और अमीरों ने अपनी आज्ञाकारिता और अधीनता अभिव्यक्त की। प्रशासन के साथ सीधा संबंध स्थापित करने के लिए रजिया ने महिला वस्त्र त्याग कर पुरुषों द्वारा धारण किए जाने वाला कुर्ता और पगड़ी का एक प्रकार का कुलाह को अपनाया। उसने दरबार में उपस्थित होना प्रारंभ किया। शासन के प्रारंभ में रजिया ने इल्तुतमिश के भूतपूर्व वजीर जुनैदी के नेतृत्व में प्रांतीय शासकों के गठबंधन को समाप्त कर दिया। सुल्तान को गद्दी पर बैठाना और उन्हें पदच्युत करना प्रांतीय इक्तादार अपना अधिकार समझते थे। प्रांतीय इक्तादारों ने रुकनुद्दीन फिरोज को गद्दी पर बैठाए, लेकिन विद्रोही बनकर उसे पदच्युत भी कर दिए। रुकनुद्दीन के बाद रजिया सुल्तान बनी। इस पद पर उसे दिल्ली की जनता ने आसीन किया था। इसमें इक्तादारों का कोई योगदान नहीं था, किंतु वे इस अधिकार को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे कि सुल्तान के चुनाव में उनकी सम्मति होनी चाहिए। वजीर निजामुल्क जुनैदी ने भी रजिया का राज्यारोहण अस्वीकार कर दिया। प्रसिद्ध तुर्क सामंतों जैसे मलिक अलाउद्दीन जानी, मलिक सैफुद्दीन कूची, मलिक इजुद्दीन कबीर खां आयाज और मलिक इज्जुद्दीन मोहम्मद सलारी ने उसका समर्थन किया। सभी ने मिलकर रजिया के विरोध का निश्चित किया तथा इस उद्देश्य हेतु दिल्ली की ओर कूच किए। मलिक नुसरतुद्दीन ताइसी, जिसे रजिया के अवध का इक्तादार नियुक्त किया गया था, को विद्रोहियों को शांत करने के लिए भेजा गया, लेकिन सैफुद्दीन कूची ने उस पर आक्रमण कर बंदी बना लिया और कारागार में डाल दिया, जहाँ उसकी मृत्यु हो गई। रजिया ने विद्रोही संगठन के विनाश का निश्चय किया। सेना के साथ वह दिल्ली से बाहर निकली और यमुना नदी के किनारे अपना शिविर लगाया। इस समय रजिया की सैन्य स्थिति कमजोर थी, छुटपुट युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकला, अतः उसने कूटनीति से काम लिया और विरोधियों से मतभेदों को उजागर करने का प्रयास किया। उसने बदायूं के इक्तादार मलिक इजाजुद्दीन मोहम्मद सलारी और मुल्तान के इक्तादार कबीर खां अयाज को गुप्त रूप से अपनी तरफ मिला लिया
वज़ीर जुनैदी और अन्य सरदारों को कैद करने की योजना बनाई। मलिकों को इस षड्यंत्र की सूचना मिल गई, वे अपना शिविर छोड़कर भाग गए। हांसी का सूबेदार मलिक सैफुद्दीन कूची और उसका भाई फखरुद्दीन पकड़े गए तथा कारागार में डाल दिए गए। लाहौर का सूबेदार मलिक अलाउद्दीन जानी मारा गया। वज़ीर जुनैदी सिरमूर की पहाड़ियों से भाग गया, जहाँ उसकी मृत्यु हो गई। विद्रोही इक्तादारों को परास्त करने के पश्चात रज़िया ने शासन का पुनर्गठन आरंभ किया। उसका मुख्य लक्ष्य शासन से तुर्की गुलाम सरदारों के प्रभाव को समाप्त करके उन्हें सिंहासन के अधीन लाना था। विभिन्न पदों और सूबों में उसने नवीन अधिकारियों की नियुक्ति की। अपने विश्वास पात्र सरदारों को विभिन्न पदों पर पदोन्नत किया। ख्वाजा महाजुबद्दीन के वज़ीर मलिक सैफुद्दीन ऐबक बहदू को सेना का प्रधान और उसकी मृत्यु के पश्चात मलिक कुतुबुद्दीन हसन गोरी को नायब लश्कर नियुक्त किया। मलिका इजुद्दीन कबीर खां एयास को लाहौर का इक्तादार बनाया गया। इसके अतिरिक्त दो अन्य महत्वपूर्ण नियुक्तियों के अंतर्गत मलिक कबीर इख्तियारुद्दीन इतगीन को का इक्तादार और अमीर हाजिब का पद दिया गया और इख्तरुद्दीन अल्तुनिया को पहले बरन का फिर भटिंडा का इक्तादार बनाया गया। ये दो अधिकारी रज़िया के कृपा पात्र थे, परंतु रज़िया के पतन में इन्हीं दोनों ने प्रमुख भाग लिया। एक अबिशीनियन मलिक जमालुद्दीन याकूत को रज़िया ने अमीर अखुर के रूप में नियुक्त किया। जमालुद्दीन याकूत रज़िया का कृपा पात्र था और रज़िया को घोड़े पर बैठाते समय हाथों का सहारा देता था। इस कारण कुछ इतिहासकारों ने रज़िया पर याकूत के साथ प्रेम संबंध होने का आरोप लगाया था। फरिश्ता के अनुसार वह घनिष्ठता है जो एब सीन याई एवं रानी के बीच इस बात में प्रकट होती थी कि जब रानी घोड़े पर सवार होती थी तो सदैव वही अपने हाथों से उसे घोड़े पर चढ़ाता था। अमीर आखूर के पद पर केवल तुर्की अधिकारी ही नियुक्त किए जाते थे। संस्थापित जाति विशेष अधिकारों पर रज़िया के इन स्पष्ट प्रहारों के विरुद्ध विरोध ने शीघ्र ही विद्रोहों का स्वरूप ग्रहण कर लिया। प्रथम बार रज़िया ने ही सामंत वर्ग की कमर तोड़ने का निश्चय किया और गैर तुर्क शासन वर्ग की शक्ति संगठन का प्रयास किया। उसने तुर्क सामंतों की शक्ति कम करने के लिए गैर तुर्क सरदारों को प्रोत्साहन देने की नीति अपनाई। याकूत को अमीर आखूर के पद पर नियुक्त करना इसी नीति का एक भाग था। बिहार का विद्रोही सरदार तुगारिल ए तुगान खान ने रज़िया के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। इस प्रकार उच्च से लेकर लखनौती तक रज़िया का आधिपत्य स्थापित हो गया। मिन्हास के अनुसार देबल से लखनौती तक सभी मलिकों एवं अमीरों ने उसकी सत्ता स्वीकार कर ली। मलिकों एवं अमीरों का नियंत्रण स्थापित करने के बाद रज़िया ने मलिक कुतुबुद्दीन हसन गोर के नेतृत्व में रणथंभौर के विरुद्ध अभियान भेजी, किंतु सफलता नहीं मिली। रज़िया ने तुर्क सामंतों की शक्ति तोड़ने और गैर तुर्क सरदारों को प्रोत्साहन एवं प्रोन्नति देना प्रारंभ की। तुर्क सामंत जाति रूप से अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे, अतः गैर तुर्क सामंतों की प्रोन्नति से उसका असंतोष बढ़ने लगा। दूसरी ओर गैर तुर्क सामंतों का नवगठित दल संख्या और अनुभव में तुर्क सामंतों से कमजोर था और रज़िया को आवश्यकता अनुसार समर्थन देने की स्थिति में नहीं था। रज़िया के विरोधियों ने उसके कमजोरी का लाभ उठाने का निश्चय किया। दो सरदारों जो रज़िया के कृपा पात्र थे, मलिक इख्तियारुद्दीन इतगीन तथा मलिक अल्तुनिया ने रज़िया के विरुद्ध षड्यंत्र रचा। लाहौर का सूबेदार कबीर खां एयाज भी षड्यंत्र में शामिल था। रज़िया को दिल्ली की जनता का समर्थन प्राप्त था तथा वह पूर्ण सचेत थी, जिसके कारण महल में कोई षड्यंत्र सफल नहीं हो सकता था। दिल्ली पर आक्रमण कर उसे जीतना भी कठिन था, अतः रज़िया को राजधानी से दूर ही पराजित किया जा सकता था। इस आशय से सर्वप्रथम 1240 ईस्वी लाहौर के इक्तादार कबीर खां अयाज ने विद्रोह किया। रज़िया ने शीघ्रता से इस विद्रोह को दबा दिया। कबीर खां पराजित होकर भाग खड़ा हुआ। रज़िया ने चिनाब नदी तक उसका पीछा किया। चिनाब नदी के उस पार मंगोलों का अधिकार था। अंत में विवश होकर उसने आत्मसमर्पण कर दिया। रज़िया ने उसे लाहौर की सूबेदारी छीन ली तथा उसके स्थान पर उसे मुल्तान की सूबेदारी प्रदान की। इस विद्रोह के दमन के 10 दिन बाद इतगीन के इशारे पर भटिंडा के सूबेदार अल्तुनिया ने विद्रोह कर दिया।
रमज़ान के गर्मी के दिनों की परवाह न कर रजिया सुल्तान तुरंत विद्रोह को दबाने के लिए तबर हिंद की ओर प्रस्थान की। राजधानी के कुछ अमीर गुप्त रूप से अल्तुनिया का समर्थन कर रहे थे। अमीरों ने याकूत की हत्या कर दी। अल्तुनिया ने रजिया को पराजित कर भटिंडा के किले में कैद कर लिया। रजिया के कैद होते ही तुर्क अमीरों ने इल्तुतमिश के तीसरे पुत्र बहराम शाह को गद्दी पर बैठा दिया। गद्दी पर बैठने के बाद बहराम शाह ने नायबे मामलिकात का नवीन पद सृजित किया। सर्वप्रथम यह पद विद्रोहियों के नेता इतगीन को दिया गया। अल्तुनिया इस निर्णय से संतुष्ट नहीं था। रजिया को सत्ता से हटाने के बाद उसने जो भूमिका निभाई थी उसके अनुसार उसे कोई लाभ नहीं मिला। रजिया ने अल्तुनिया के इस असंतोष से लाभ उठाकर उससे अपना संपर्क बना लिया तथा विवाह कर ली। रजिया अल्तुनिया की सहायता से अपना सिंहासन पुनः प्राप्त करना चाहती थी। अल्तुनिया को भी अपने सम्मान और पद में वृद्धि की आशा थी। शासक बनने के पश्चात बहराम शाह ने अपने हाथों में शक्ति संचित करने का प्रयास किया। सबसे पहले उसने इतगीन की हत्या करवा दी। बहराम शाह का मुकाबला करने के लिए खोखर राजपूत और जाटों को सम्मिलित कर अल्तुनिया ने एक सेना एकत्र की। बहराम से असंतुष्ट सरदार मलिक सलारी और कराकस भी उससे जा मिले। अल्तुनिया ने रजिया के साथ अपनी सेना लेकर दिल्ली की ओर बढ़ा, किंतु बहराम शाह के हाथों पराजित होकर उसे भटिंडा लौटना पड़ा। वापस लौटते समय मार्ग में कैथल के निकट उसकी सेना के साथ छोड़ दिया। उसकी सेना ने साथ छोड़ दिया और रजिया और अल्तुनिया एक पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे। तभी 25 दिसंबर 1240 ईस्वी को डकैतों ने उनका वध कर दिया। रजिया का अगर मूल्यांकन करें तो रजिया का शासनकाल अत्यंत सीमित रहा। वह मात्र 3 वर्ष 6 माह 6 दिन तक शासन की। निश्चित रूप से वह इल्तुतमिश के उत्तराधिकारियों में सबसे योग्य थी। स्त्री होते हुए भी वह पुरुषोचित गुणों से परिपूर्ण थी। उसमें स्त्री सुलभ दुर्बलता का नामो निशान नहीं था। रजिया की प्रशंसा करते हुए मिनहाजुद्दीन सिराज ने लिखा है कि सुल्तान रजिया एक महान शासक थी, बुद्धिमान, न्यायप्रिय, उदार चित और प्रजा की शुभचिंतक, समदृष्टा, प्रजापालक और अपनी सेनाओं का नेता। उसमें सभी बादशाही गुण विद्यमान थे, सिवाय नारित्व के, और इसी कारण मर्दों की दृष्टि में उसके सब गुण बेकार थे। कुछ इतिहासकार ने रजिया की असफलता का मुख्य कारण उसका स्त्री होना बताया है, परंतु आधुनिक इतिहासकार इससे सहमत नहीं हैं। उनके अनुसार उसके पतन का मुख्य कारण तुर्की अमीरों या चहल गनी की महत्वाकांक्षा थी। रजिया स्त्री होकर स्त्री होने के किसी दुर्बलता का परिचय नहीं दिया। स्त्री के रूप में रजिया का शासक बनना इस्लाम के समर्थकों के लिए नई बात थी, किंतु इस्लाम के इतिहास के लिए नहीं। रजिया के व्यक्तिगत गुणों की सभी इतिहासकारों ने प्रशंसा की है। तत्कालीन इतिहासकार इशामी ने उस पर जलालुद्दीन याकूत से अनुचित प्रेम संबंध का आरोप लगाया था, परंतु अन्य इतिहासकार इस तथ्य को स्वीकार नहीं करते। मिनहाज ने दोनों संबंधों को निष्कलंक बताया है। रजिया राजनैतिक दूरदर्शिता और योग्यता से परिपूर्ण थी। सर्वप्रथम उसने सामंत वर्ग की शक्ति को तोड़ने और गैर तुर्क शासक वर्ग की शक्ति को संगठित करने का प्रयास किया। इस दृष्टि से वह अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक की अग्रगामी थी। विदेश नीति के संदर्भ में उसने अपनी दूरदर्शिता का परिचय दिया और वह अपने पिता इल्तुतमिश की नीति को अपनाकर मंगोलों से दिल्ली सल्तनत की रक्षा की। राजनैतिक दूरदर्शिता और योग्यता से परिपूर्ण होने के बाद भी एक शासक के रूप में रजिया सफल नहीं रही। इस असफलता का मूल कारण शासक वर्ग में व्याप्त उसके प्रति विरोध की भावना थी। रजिया का स्त्री होना भी उसकी असफलता का एक कारण माना जाता है। उसमें एक महान शासक के सभी गुण थे, किंतु सारे गुण और उसकी योग्यता इसलिए प्रभावहीन हो गए कि वह स्त्री थी। एक महिला शासक के रूप में उसे न तो स्वीकृति मिली और न ही शासक वर्ग के शक्तिशाली सदस्यों का समर्थन। के ए निज़ामी ने लिखा है कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इल्तुतमिश के उत्तराधिकारियों में वह सबसे श्रेष्ठ थी। आज का लेक्चर यहीं तक। कॉमटेरिया लेक्चर्स पे इंडियन मेडिवल हिस्ट्री, इंडियन एंशियंट हिस्ट्री के बहुत ही आकर्षक सीरीज चल रही है, जो कि UPPCS प्री, UP SSC, PET, SSC बैंकिंग, रेलवे और अन्य सभी एक दिवसीय
और प्रांतीय राज्य लोक सेवा आयोग की प्री और मेंस एग्जाम्स के लिए बहुत ही उपयोगी होगी। कॉमटेरिया लेक्चर्स का नित्य निरंतर लाभ लेते रहें। कॉमटेरिया यूट्यूब पर पूर्णतः निःशुल्क है। कॉमटेरिया चैनल का एकमात्र उद्देश्य है सभी पढ़ें सभी बढ़ें। पढ़ते रहिए बढ़ते रहिए। कॉमटेरिया वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए कि आपको लेक्चर्स कैसे लगते हैं। कॉमटेरिया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। एक वृक्ष लगाने का हर श्रोता संकल्प ले, एक वृक्ष लगाइए, प्रकृति को हरा भरा और ऑक्सीजन युक्त बनाइए। वैक्सीनेशन जरूर से कराइए। कॉमटेरिया लेक्चर्स देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।